नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा में सरकार बचाने को बीजेपी का खेल, तीन बागी जेजेपी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। कांग्रेस बोली हॉर्स ट्रेडिंग संभव, गवर्नर से टाइम नहीं मिला। हाईकोर्ट का आदेश, सोमवार तक अमृतपाल सिंह का नामांकन कराएं। जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक ने 7 दिन की रिहाई मांगी थी। चंडीगढ़ से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनावी रोड शो किया। संजय टंडन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे मोदी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी साउथ अफ्रीका और प्रियंका गांधी यूरोप की लगती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, सरकार से अलग होना दुष्यंत चौटाला को अखर रहा है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, संवैधानिक तौर पर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अल्पमत भाजपा सरकार तुरंत इस्तीफा दे, राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस विधायक। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने कहा, मोदी और भाजपा ने झूठ व जुमलों के दम पर किया 10 साल शासन। करनाल लोकसभा के सामान्य ऑब्जर्वर ई रविंद्रन ने विधानसभा के एआरओ व नोडल अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।